हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैथोलिक सीरियन बैंक, जो कि सीएसबी बैंक के नाम पे हम जानते हैं। तो इस बैंक में अभी रिजल्ट आया है, तो इसी बेसिस पे ये स्टॉक को एनालाइज करेंगे और स्टॉक में देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है, आगे के लिए हमें क्या करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या तो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को हम कंसिडर करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकता है। उसी बेस पे आप स्टॉक को एनालाइज करके कि बढ़िया सा स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, बढ़िया सा गेन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, अभी मार्केट सिनेरियो में आपको लॉस हो रहा है, तो इमिडिएटली आप स्टॉक में कुछ रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। आप स्टॉक को होल्ड कीजिए और स्टॉक का एनालिसिस एक बार देख लीजिए जरूर। यहाँ पे वीडियो में काफी सारा हमने वीडियो का एनालाइज किया हुआ है, तो उसका एनालिसिस एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक को लिए हैं, तो उसका टारगेट प्राइस देख लीजिए एक बार, उसी टारगेट प्राइस तक आप जरूर जरूर इंतजार करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक में गिरावट हो रहा है, उसी सिनारियो पे स्टॉक में से आपको लॉस बुक करना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी लॉस बुक मत कीजिए। अगर एक स्टॉक आपने लिया हुआ है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, तो लेने से पहले एक बार चार बार उसका एनालिसिस देख लीजिए, उसी बेसिस पे लीजिए, ठीक है। स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक बार ये ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल है, इसको जरूर देख लीजिए, नहीं तो जीरोधा यूजर ये वाला वीडियो को जरूर आप जब देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम एक स्टॉक को बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, वो सारी चीज इसमें बताया हुआ है। जरूर आप जाके देख के सीख सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू का भी वीडियो है, यहाँ पे स्विंग ट्रेड स्टॉक का वीडियो है, यहाँ पे मल्टीवैगर स्टॉक का वीडियो है, वो सब एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको बढ़िया सा नॉलेज फ्रेंड्स मिल सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो यहाँ पे कैथोलिक बैंक के बारे में बात करेंगे, अभी इसका रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 180% जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, ठीक है। अगर इसी बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बार ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ पे नीचे जब आके रिजल्ट में जाएंगे, इसमें फाइनेंशियल में चले जाते हैं, तो आज के दिन में स्टॉक में 1.25% का गिरावट देखने को मिला है। गिरावट देखने को मिला है उसके वजह क्या है, क्योंकि निफ्टी में आज के दिन में भी गिरावट था, ठीक है। जहां पे निफ्टी जब करेक्शन में होता है, स्टॉक तो करेक्शन में जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो बढ़िया सा आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, और स्टॉक अगर देखेंगे बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके एक बार देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं, जब हम देखेंगे लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 599 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर अभी का दिसंबर में देखते हैं, 579 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि बेहतरीन देखने को मिला है। अगर लास्ट दिसंबर की बात करेंगे, यहाँ पे 53 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि बहुत जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर में ओनली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अगर देखेंगे, या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे, बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस दिखाया है, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया से जंप देखने को मिला है। अगर लास्ट 12 क्वार्टर में भी अगर हम देखते हैं इसका डाटा, तो यहाँ पे भी एक सबसे हाईएस्ट डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक एक छोटा सा स्टॉक है, जो कि छोटा कंपनी छोटा बैंक है, जो कि 4100 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अगर पियर्स बैंक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दिग्गज बैंक सब इसका 8 नंबर सीरियल पे आता है। जब आप देखेंगे यहाँ पे दिग्गज बैंक से ऊपर है, यहाँ पे देखिए HDFC बैंक, यहाँ पे 8,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ICICI बैंक, यहाँ पे 5,58 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 3,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सब दिग्गज बैंक है। अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे, 2,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसका मार्केट कैप ओनली 4,188 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। ये स्टॉक एक आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में बहुत बढ़िया से आगे आने वाले दिनों में एक बढ़िया से रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट 4 क्वार्टर में 371 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम सेल्स की रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में 62% का कंपाउंडिंग यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। 5 ईयर्स में 28% का CAGR का यहाँ पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 1787 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2007 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे यहाँ पे 49.72% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 5.72% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 12.23% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 29% का होल्डिंग है, जो कि एक बढ़िया सा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आज के दिन में अगर देखेंगे स्टॉक में तो रैली दिखाना जरूर था, लेकिन निफ्टी के करेक्शन की वजह से यहाँ पे रैली नहीं दिखा पाया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे 44% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 1,08,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, तो यहाँ पे 48,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि बेहतरीन डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये स्टॉक में आपको बने रहना है, क्योंकि बिलो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे आपको मिल रहा है ये स्टॉक। अगर आपको लेना है ये स्टॉक, एक बार चार्ट बटन पे जाके देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बता दूं, एक बार जरूर ये वीडियो देख लीजिए, जो कि यहाँ पे ये जो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है। मैं चाहता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ना हो, तो इससे स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करना है, ये वीडियो जब आप देखेंगे ना, तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक अच्छे से स्टॉक को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है और कहाँ तक का होल्ड करके चलना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अगर गलत स्टॉक में भी आपने पीक किया स्विंग ट्रेड के लिए, तो उसको स्विंग ट्रेड में टारगेट पे आपको निकलना है। ठीक है ना, तो क्योंकि स्विंग ट्रेड टारगेट पे अगर आप निकल जाते हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। जहां पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टॉक किसी कैटेगरी के लिए, वो उस स्टॉक में बताया, मतलब वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं। अगर अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्शन करेंगे, तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर पेशेंस के साथ में होल्ड करेंगे ना, तो प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी इस स्टॉक में हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। क्यों, किसी बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जिस हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ जिस हिसाब से दिखा रहा है, एक सुपर यहाँ पे फाइनेंशियली रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी बेसिस पे ये स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, और स्विंग ट्रेड में 3 मंथ्स में हमें कौन सा टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, ये 3 मंथ्स में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है मार्केट सिनारियों की वजह से ये स्टॉक आज परफॉर्म नहीं किया। ये स्टॉक को अगर आप लेके चलते हैं यहाँ पे, ये जो रेंज है ना, ये रेंज के लिए आप अगर ये स्टॉक में बने रहते हैं, तो आपको मतलब इमिडिएटली एक रेंज का आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये रेंज के लिए आप बने रह सकते हैं। ठीक है, अगर ये रेंज के लिए बने रहेंगे, तो आपको कितना परसेंटेज का गेन मिलेगा पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे 320 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है, अभी आप करंट मार्केट सिनेरियो जो चल रहा है, 240 के पास में ये स्टॉक चल रहा है, 240 से लेके अगर आप 320 तक ये स्टॉक में बने रहते हैं, तो आपको 3 मंथ्स में, फ्रेंड्स में बता रहा हूँ, ये स्टॉक में बहुत बढ़िया गेन मिलेगा। 3 मंथ्स में आपका टारगेट अचीव हो सकता है। 3 मंथ्स तक ये स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको 32-34% का गेन मिल सकता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सा गेन होता है। 34% का गेन अगर 3 मंथ्स में मिल जाता है ना, तो ये सुनहरा मौका है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब फाइनेंशियली रिजल्ट के बेस पर लग रहा है कि 3 मंथ्स में टारगेट अचीव हो सकता है, उससे पहले भी अचीव हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि मार्केट सिनेरियो में कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए 3 मंथ्स तक अगर लेके चलेंगे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे, ये स्टॉक में आरएसआई 40 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में ले लीजिए, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप बैंक है, तो इस हिसाब से छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पोर्टफोलियो का 3% आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, आपको बहुत जल्दी एक क्विक गेन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नया है, तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाले हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सकता है। और ये फ्रेंड्स से वीडियो को ना जरूर आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले हैं वो अगर स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, ताकि उनको भी एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। एक अच्छा सा स्टॉक को सही टाइम पे पिक करके अगर अपना पोर्टफोलियो में लेके कुछ दिन तक होल्ड करके रखते हैं, प्रॉफिट जरूर मिलेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है। स्टॉक मार्केट में अगर पेशेंस के साथ में अच्छा सा स्टॉक में बने रहेंगे, तो आपको आप बढ़िया गेन मिलेगा। ठीक है, हमारा वीडियो देख के काफी सारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा सा गेन लिया है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी मार्केट सिनारियों में गेन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो स्टॉक को सेल कर देंगे। मैं तो कोई भी स्टॉक अभी सेल नहीं कर रहा हूँ। पिछले वीक में मेरा प्रॉफिट बुकिंग काफी सारा हुआ है, 2-3 स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन इसी वीक में नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक हफ्ते में हमें मिलेगा। ठीक है, हमें पेशेंस के साथ में अच्छा सा स्टॉक में बने रहेंगे, तो अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल ही हमारा
एक साल में 30-40% तक का गेन मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेशेंस के साथ में हमें स्टॉक को होल्ड करना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।